Hello everyone, today we will learn the poem Martha and it is written by Walter de la Mare. In this poem, poet says the quality of a young and beautiful lady. Her name was Martha and she told her stories in a wonderful way. Let's get it started. Once upon a time, over and over again, Martha would tell us her stories in the hazel glade. एक समय की बात है, बार बार वह बोलती, when Martha told her stories, जब वह अपनी स्टोरी कहती, तो उसकी शुरुआत वह एक समय की बात से करती. In this way, Martha listener को अपनी कहानियों पे कंसंट्रेट करती थी. And she told her stories in the hazel glen. That means, hazel, that means a small tree, glen, narrow valley. वे अपनी कहानियाँ वैली के झाड़ियों के नीचे बैठकर कहती थी. Hers were those clear grey eyes you watch and the story seems told by their beautifulness, tranquil as a dreams. Poet says that when Martha told her stories, Martha जब अपनी स्टोरी कहती थी तो लिशनर को उनकी आँखों में, उनकी जो भूरी भूरी आँखें थी उसकी आँखों में स्टोरी की, कहानियों की झलक दिखाई पड़ती थी. उसके स्टोरी कहने का स्टाइल इतना ब्यूटीफुल था, इतना वंडरफुल था कि लिसनर को ऐसा फील होता था कि वे स्टोरी नहीं सुन रहे बल्कि कोई स्वप्न देख रहे हों. नाउ नेक्स्ट, सी वुड सिट विथ हर टू स्लिम हैंड्स क्लैप्स्ड राउंड हर बैंडेड नीज व्हाइल वी ऑन आवर एल्बोज एंड स्टेयर्ड एट ईच. पोएट कहते हैं कि जब मार्था कहानी कहती तो उसके जो स्लिम हैंड्स हुआ करते थे उसे वे अपने नीच पे, घुटनों पे टिका कर रखती और जो लिसनर हुआ करते थे वे अपनी केहुनियों के सहारे आराम से पीसफुली बैठते और टकटकी लगाकर मार्था को देखते और उसकी कहानियाँ सुनते थे. नेक्स्ट, हर वॉइस हर नैरो चीन हर ग्रेव स्मॉल लवली हेट सिम्ड हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सी सेड. पोएट कहते हैं कि मार्था की जो वॉइस थी और उसका नैरो चीन और ग्रेव स्मॉल लवली हेट, इन सब का जो एक्सप्रेशन हुआ करता था जब वो कहानी कहती थी तो उसके फेस का जो एक्सप्रेशन था, चेहरे का जो एक्सप्रेशन था और उसकी आवाज़ें, उसके द्वारा कही गई कहानियों की हाफ मीनिंग बयां कर देती थी. वाल्टर डी ला मेयर जो इस पोयम के पोएट हैं उन्होंने यह कहा है. आई थिंक क्लियर इट्स समरी. थैंक यू.